नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्या सेरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जैसा कि आपको मालूम है कि 12 जुलाई को केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 का ऑनलाइन ऑडिशन हुआ है और इसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी थे जिनका वीडियो जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ है, यानी कि 6 वीडियो जो ऑनलाइन आपको वहाँ पे रिकॉर्ड करके अपलोड करना होता है। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पे जो है अपना वहाँ पे सबमिट किया है, डाला है, जिसमें उनको फिर से वही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है जो प्रॉब्लम पिछले 6 जून वाले ऑनलाइन ऑडिशन के साथ हुआ था। यानी कि उनका वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ था, वीडियो रिकॉर्डिंग के टैब पर जैसे ही वो स्टार्ट किए उनका कैमरा ऑन ही नहीं हुआ, या फिर ऑन हुआ भी तो वो वीडियो जो है वहाँ पर सबमिट नहीं हुआ। क्या कारण है, आखिर क्या कारण है कि केबीसी के इस ऑनलाइन ऑडिशन में वीडियो आपका सबमिट नहीं हो रहा है या फिर आपका रिकॉर्डिंग टैब जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। आज सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक यही कारण पिछले 6 जून वाले ऑनलाइन ऑडिशन में भी हुआ था जब प्रतिभागी का वहां पर रिकॉर्डिंग बटन ही स्टार्ट नहीं हुआ था और साथ साथ केबीसी का स्पष्ट अगर आप इंस्ट्रक्शन वहां पर देखेंगे तो 1 घंटा का ही समय मिलता है, यानी कि 11 बजे से यह जो है ऑनलाइन ऑडिशन शुरुआत हुआ था और जिसमें स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिखाया गया है कि 12 बजे के पहले जिनका वीडियो अपलोडेड होगा सोनी लिव ऐप पे उसी को मान्य घोषित किया जाएगा, बाकी 12 बजे वाले बाद के वीडियो को अमान्य घोषित किया जाएगा। यह भी एक सबसे बड़ा वहां पे प्लस पॉइंट है जो प्रतिभागी को काफी सारा प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आखिर वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है कि वहां पे रिकॉर्डिंग बटन जो है स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसके लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको ये जानकारी जरूर पता होगा कि अगर आप ऑनलाइन किसी भी चीज का रिजल्ट सर्च करते हैं, चाहे आप CBSE बोर्ड की बात कीजिए या फिर गवर्नमेंट की जो यानी स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट एजुकेशन बोर्ड की बात करें, तो किसी भी चीज़ का, चाहे आप मैट्रिक बोर्ड का जब रिजल्ट निकलता है उसकी बात कीजिए या फिर इंटर बोर्ड का रिजल्ट निकलता है उसकी बात कीजिए, जिस दिन रिजल्ट निकलता है उस दिन उस वेबसाइट का सर्वर जो देखेंगे काफ़ी डाउन होता है, यानी कि वो जो वेबसाइट है वो काफ़ी स्लो मोशन में काम करता है। इसका रीज़न क्या है कि क्राउड जो है उस वेबसाइट पे इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इसी के लेकर जो है वो वेबसाइट काम करना वहाँ पे कम कर देता है। इस बात को आप समझ सकते हैं और यही रीज़न है जो है सोनी लिव ऐप के साथ भी होता है। चूँकि ऑनलाइन ऑडिशन जब यहाँ पर हुआ है तो एक साथ प्रतिभागी वहाँ पर कनेक्ट हो गए हैं और उसी को लेकर जो है ये वर्क करना कम कर देता है। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट आप यहाँ पर ये समझ लीजिए, जिन लोग यहाँ पर वीडियो अपना अपलोड किए हैं उनको ये ऑप्शन दिखाई दिया होगा, बाकी जिनका वीडियो अपलोड नहीं हुआ है उनको ये ऑप्शन दिखने को नहीं मिला होगा। तो इसमें केबीसी की तरफ से स्पष्ट दिखाया गया है जिसका रिकॉर्डिंग बटन स्टार्ट नहीं हुआ है तो दोबारा अगर आप नीचे की ओर उस पेज को ड्रैग करते तो वहां पे स्पष्ट दिखाया गया है कि अगर आपका रिकॉर्डिंग टैब स्टार्ट नहीं हो रहा है या फिर आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और वो अपलोड नहीं हो पा रहा है तो केबीसी स्पष्ट आपको वहां पे बता रहा है कि कृपया करके आप अपने वीडियो का जो साइज है वो छोटा कर दीजिए। यानी कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि अगर आप अपने कैमरा से वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो 1280x720 करके, यानी कि 1210x720 ऐसे करके आपका वीडियो का रेजुलेशन होता है। लेकिन अगर आप वो नहीं अपलोडेड हो पा रहा है तो क्या कीजिए, वीडियो का जो रेजुलेशन है वो आप कम कर दीजिए, यानी कि 720 के जगह पे है 480 कर दीजिए। तो जाहिर सी बात है वीडियो का क्वालिटी वही रहेगा, टाइम भी उतना ही रहेगा, लेकिन उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस वीडियो का साइज ज़्यादा बड़ा होता है उसको अगर आप खुद भी कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, लेकिन अगर उसी वीडियो का जो है रेजुलेशन कम होगा तो जल्दी से जो है डाउनलोड होता है। तो केबीसी के तरफ से स्पष्ट उस पेज पे लिखा गया था, लेकिन वो पेज उसी को दिखा होगा जो ड्रैग करके नीचे की ओर प्रतिभागी वहाँ पे देखे होंगे। काफ़ी सारे प्रतिभागी को इतना समझ में भी नहीं आया है कि आखिर इसको ड्रैग करके देखे तो नीचे इंस्ट्रक्शन भी क्या लिखा हुआ, तो इसी को लेकर जो है वहाँ पे केबीसी स्पष्ट दिया था अगर वीडियो अपलोडेड नहीं हो रहा है तो जो प्रतिभागी अपने वीडियो का साइज कम कर दिए हैं जाकर उनका वीडियो सक्सेसफुल वहाँ पे अपलोड हो गया है। तो यही एक कारण है। एक तो सबसे पहला बात कि ये आप समझ सकते हैं कि एक बार जब क्राउड किसी भी वेबसाइट पे बढ़ता है तो वहां पे वो वेबसाइट जो है ऑटोमेटिक स्लो काम करना शुरू कर देता है कुछ समय के लिए, जिस समय उस पे क्राउड सबसे ज्यादा होगा और धीरे धीरे क्राउड हटना वहां से शुरू हो जाता है तो वो जो वेबसाइट है धीरे धीरे फ्री होना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप रिजल्ट वाले दिन की बात करें तो जिस समय रिजल्ट डिक्लियर होता है, क्लियर जिस समय होता है आप चेक करते हैं तो उस समय से लेकर 2 घंटा तक वो वेबसाइट जो है काफी स्लो मोशन में काम करता है। साइबर कैफे के बाहर आप देखेंगे तो लाइन इतना लंबा रहता है, सर्च चूंकि वहां पर नहीं हो पाता है और 2 घंटा के बाद जो है वेबसाइट फ्री हो जाता है तो वो जो है वेबसाइट ओपन रूप से यानी कि फ्री होकर काम करना शुरू कर देता है। यही रीजन था कि हो सकता है 1 घंटा के लिए ये सोनी लिव ऐप भी काफी ज्यादा व्यस्त हो गया होगा और जिसको लेकर जो है चूंकि एक बार आप समझ सकते हैं उतने प्रतिभागी अपना वीडियो डायरेक्ट अपलोड करना इस वेबसाइट पर शुरू कर दिए हैं तो इसी को लेकर यह वेबसाइट स्लो मोशन में काम करना शुरू कर दिया होगा। और अगर जो प्रतिभागी 1 घंटा वेट कर दिए होंगे या फिर आधा घंटा उसी स्क्रीन पर बने रहे होंगे, जैसे ही सोनी लिव ऐप फ्री हुआ होगा प्रतिभागी जैसे
जैसे वहाँ से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होंगे उनका वीडियो ऑटोमेटिक जो है वहाँ पे अपलोड होना शुरू हो गया होगा या फिर उनका रिकॉर्डिंग टैब जो है ऑटोमेटिक स्टार्ट होना शुरू हो गया होगा। तो यही एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, यही एक रीज़न है। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी जरूर हैं जिनके मन में ये सवाल होगा कि आखिर क्या कारण है कि सोनी लिव ऐप पे वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है या फिर रिकॉर्डिंग टैब का बटन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो यही एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। इस बात को आप बखूबी अच्छे तरीके से जानते हैं भले उस पॉइंट को आप कनेक्ट नहीं करते हैं और इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। रिजल्ट जिस दिन भी निकलता है, चाहे वो CBSE बोर्ड की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, वो वेबसाइट हैंग करता ही करता है, वो वेबसाइट स्लो मोशन में काम करता ही करता है। तो उस पर आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब है कि KBC पे आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं कि वीडियो अपलोड क्यों नहीं हुआ, चूँकि KBC हर इल्ज़ाम को जो है आपके तरफ से यानी कि वो अपने तरफ से सेव होकर चलती है। हर वो इंस्ट्रक्शन आपको पहले से बता देती है, किसी भी कारण से KBC वहाँ पर जिम्मेदार नहीं होगा। तो आप वहाँ पर सीधा सीधी आरोप भी नहीं लगा सकते। हाँ, बेहतर एक ज़रूर वहाँ पर ये हो जाता अगर दूसरा पॉइंट रखा जाता कि आप वहां पे ऑनलाइन ऑडिशन दे दीजिए, यानी कि सवाल का आप जवाब दे दीजिए और वीडियो जो सेंड करने का वहां ऑप्शन था, जो प्रतिभागी का वीडियो वहां पे अपलोड नहीं हो रहा है उसके लिए एक सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए था कि चलिए आप इस नंबर पे अपना वीडियो बनाकर वहां पे अपलोड कर सकते हैं या फिर सेंड कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट अगर होता तो प्रतिभागी के साथ जो है काफी यहां पे इजी हो जाता, उनको काफी सपोर्ट मिलता, लेकिन ये एक नहीं हुआ। और इसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि जो ऑनलाइन KBC का ऑडिशन होता है वो इस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से इस बार की सीजन में आप देख रहे हैं। जो सोनी लिव ऐप पे जाके आप सवाल का जवाब दे रहे हैं या फिर आप अपनी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, ये इससे पहले किसी भी सीजन में इस तरीके से नहीं होता था। ऑनलाइन ऑडिशन में जो भी प्रतिभागी पहुंचते थे उनके घर पे KBC का टीम जो है जाता था, यानी कि हर जगह की अगर बात करें तो ये KBC का टीम का काम होता था जाकर वहाँ पे ऑनलाइन आपसे ऑडिशन लेना, और जो वीडियो आप देखते हैं वीडियो KBC के टीम के द्वारा बनाया जाता था। लेकिन चूंकि इस बार प्रतिभागी ऑनलाइन दिए हैं इसलिए उन्होंने वीडियो अपना खुद ही रिकॉर्ड किया है और खुद ही अपलोड किया है सोनी लिव ऐप पे। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसके कारण जो है सोनी लिव ऐप पे काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनका वीडियो अपलोड नहीं हुआ है।